कम्युनिकेशन स्किल्स के ये क्वेश्चन अगर तुम करके चले जाते हो तो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड अगर तुमने बाकी वीडियोस नहीं देखी है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो वो भी देख लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए अब बिना देरी के उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के पहली यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल्स। सो कम्युनिकेशन स्किल की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बारे में थोड़ा बहुत आपने एक्सप्लेन करना है। तो कम्युनिकेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स या फिर पार्ट हैं उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सो क्या क्या रुकावटें आती है, बैरियर्स मतलब रुकावटें। सो कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स है वो एक्सप्लेन करना है एंड हाउ कैन वी ओवरकम देन, यानी कि उसको हम कैसे रोक सकते हैं या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ प्रेजुडिस अफेक्ट कम्युनिकेशन। सो प्रेजुडिस कैसे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है वो बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है फीडबैक की वो बताने आपने। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो कम्युनिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस को आपने बताना है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन। यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन स्टाइल। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग मतलब कि सुनना, उसके क्या क्या उद्देश्य क्या है एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अब आपके यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यूनिट 3 का एक्सप्लेन द डूज एंड डोंट्स ऑफ एक्टिव लिसनर। सो एक्टिव लिसनर क्या होते हैं और डू एंड डोंट्स यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए एज अ एक्टिव लिसनर, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन विच टेक्निक आर फॉलोड वाइल लिसनिंग टू पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशन। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हेन एंड व्हेन नॉट टू यूज रिटन कम्युनिकेशन। सो जो हम लिख के कम्युनिकेशन करते हैं उसका हमने कब यूज़ करना है और कब नहीं करना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड फॉर राइटिंग इफेक्टिवली। यूनिट 4 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरव्यू, व्हाट आर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यू। सो इंटरव्यू क्या होता है और जो डिफरेंट टाइप्स है उसके पर्पस बतानी है, यानी कि जो इंटरव्यू के टाइप्स और क्या जरूरत पड़ती है हमें इंटरव्यू की उसके बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है डूज एंड डोंट ऑफ इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, उसके आपने अच्छे से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हाउ अ कैंडिडेट प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू। सो जॉब इंटरव्यू में किस किस चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम जॉब में सिलेक्ट हो जाए, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन। सो कौन कौन से प्रेजेंटेशन के मेथड्स है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अब लास्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रुप डिस्कशन, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है और इसके टाइप्स और क्या क्या क्रिटेरिया कंडीशन को आपने फॉलो करना है वो सब आप इस क्वेश्चन में बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूज एंड डोंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सो ये सेकंड क्वेश्चन में ही था कि क्या क्या एडवांटेजेस होती है ग्रुप डिस्कशन की। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन ग्रुप डिस्कशन। सो कम्युनिकेशन स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है ग्रुप डिस्कशन में, ये आपने इस क्वेश्चन में बताना है। सो ये थे आपके टोटल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपके गारंटेड बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। सो वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।